हेलो गाइस, मैं अल्टीमेट आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल अल्टीमेट 360 में। सो आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि फाइनली हमारा चैनल अब 1K सब्सक्राइबर्स का हो चुका है। सो थैंक यू वेरी मच माई यूट्यूब फैमिली। सो आज का वीडियो है अफ्रीकन वाइट राइनो वर्सेस इंडियन एशियन राइनो, हमारे एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर। सो देखते हैं इन दोनों राइनो में से कौन सा राइनो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। पहले मैं बात करूँगा वाइट अफ्रीकन राइनो के बारे में। वाइट अफ्रीकन राइनो ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, केनिया में, निम्बिया में और युगांडा में पाया जाता है। वाइट राइनो ज़्यादातर घास खाना पसंद करता है, ये पेड़ पौधों को भी खाना पसंद करता है लेकिन ये ज़्यादा बड़े पेड़ पौधों को खाना पसंद नहीं करता। ये छोटी फ्रेश घास को ही ज़्यादातर खाना पसंद करता है। वाइट अफ्रीकन राइनो 40 से 50 साल तक जी सकता है और इसकी स्पीड होती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की। इसमें मेल राइनो का वज़न होता है 2500 किलो से लेकर 3000 किलो तक और एक फीमेल का वज़न होता है 1700 किलो से लेकर 1800 किलो तक और मेल्स की हाइट होती है शोल्डर से 1.7 मीटर्स से लेकर 1.9 मीटर्स तक और फीमेल की हाइट शोल्डर से होती है 1.6 मीटर्स से लेके 1.8 मीटर तक और वाइट राइनो की जो लेंथ होती है वो होती है 3.7 मीटर्स से लेके 4 मीटर्स तक और फीमेल्स की लेंथ होती है 3.4 मीटर्स से लेके 3.6 मीटर तक। तो अब मैं बात करता हूँ वाइट राइनो के हथियार के बारे में। यस, वाइट राइनो का हॉर्न जो होता है 90 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक यानी 2 से 4 फुट तक काफ़ी बड़ा सींग होता है वाइट राइनो का। अब बात करते हैं इंडियन राइनो की। इंडियन राइनो ज़्यादातर इंडिया में, भूटान में और नेपाल में पाया जाता है। इंडियन राइनो 35 से लेके 45 ईयर्स तक जी सकता है। इंडियन राइनो को भी घास खाना बहुत पसंद है लेकिन ये पेड़ पौधे भी खा लेता है। इंडियन राइनो में मेल्स का वज़न 2500 किलो से लेके 2700 किलो तक हो सकता है और फीमेल का वज़न 1500 किलो से लेके 1700 किलो तक हो सकता है। इंडियन राइनो की मेल की हाइट शोल्डर से 1.6 मीटर्स से लेके 1.8 मीटर्स तक होती है और फीमेल्स की हाइट 1.5 मीटर्स से लेके 1.7 मीटर्स तक होती है शोल्डर्स से। इंडियन राइनो की स्पीड होती है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, मतलब 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंडियन राइनो भाग सकता है। तो अब बात करते हैं इसके हथियार के। इंडियन राइनो का जो हॉर्न होता है, जो हॉर्न की साइज़ होती है वो 20 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर तक होती है यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट तक इंडियन राइनो की हॉर्न की साइज़ होती है। तो अब आता हूँ कंक्लूजन पे कि कौन सा राइनो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, अफ्रीकन वाइट राइनो सबसे ज़्यादा ताकतवर है या इंडियन राइनो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। पहली बात, मैं साइज़ कंपैरिजन का मैंने आपको एक ओवर लुक दे दिया है। दोनों की साइज़ कंपैरिजन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन साइज़ के मामले में अफ्रीकन वाइट राइनो को थोड़ी एज मिलती है साइज़ के मामले में और जो इंडियन राइनो होती है उसकी जो स्किन होती है उसकी स्किन की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा थिक होती है और बहुत ही ज़्यादा मज़बूत होती है और अफ्रीकन राइनो और इंडियन राइनो दोनों को ज़्यादा फाइट करना भी ज़्यादा पसंद नहीं है।
अगर आप इसके विपरीत देखेंगे ब्लैक अफ्रीकन राइनो वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन वाइट अफ्रीकन राइनो उतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन फिर भी फिजिकैलिटी के मामले में दोनों बराबर होते हैं। और इंडियन राइनोज भी फिजिकैलिटी के मामले में भी बहुत अच्छे और तगड़े होते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, इसका मैं आपको फाइनल कंक्लूजन दूँ, तो जो मेल यानी जो वाइट अफ्रीकन राइनो होता है उसका जो सर होता है वो साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। साइज़ में ज़्यादा बड़ा होने के कारण उसके जो नेक मसल्स होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। और इंडियन राइनो का अगर आप सर का कंपैरिजन करेंगे तो वो इंडियन राइनो के सर उतने बड़े नहीं होते और उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते। और अफ्रीकन वाइट राइनो का जो सींग होता है वो बहुत ही पैना और नोकीला होता है, और ज़्यादातर राइनोज अपनी फाइट में दूसरे राइनोज के गर्दन पर ही अटैक करते हैं, यानी निचले हिस्से पर। सो फाइनली अगर एक डेड बैटल हुई तो यस, इस डेड बैटल का विनर अफ्रीकन मेल राइनो ही होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, do subscribe our channel for getting such kind of amazing information. Over and out.